إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. قابل احترام اساتذہ نوجوان ساتھیوں عزیز دوستوں پیارے بچوں عزیز طلباء سامعین حضرات حاضرین جمعہ آج جس مناسبت سے میں اس خطبہ جمعہ میں چند باتیں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں وہ باتیں اس دنیا کے تعلق سے ہے وہ باتیں اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کے تعلق سے ہے وہ باتیں اللہ کی یاد کے تعلق سے ہیں وہ باتیں علم کے تعلق سے ہیں اور تعلیم کے تعلق سے ہیں. گویا کہ آج ہم اس خطبہ جمعہ میں بالخصوص علم حاصل کرنے کی جو اہمیت ہے اس کو جانیں گے ایک حدیث کی روشنی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی وہ مخلوق نوری مخلوق یعنی جو نور سے پیدا کی گئی یہ فرشتے کہلائے. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا صرف نور سے اپنے نور سے نہیں. اللہ نور السماوات والارض اللہ نے سورہ نور 124 کے اندر کہا اللہ نور ہے آسمان زمین کا. اللہ نور ہے لیکن اللہ کا نور بہت الگ ہے. فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اپنے نور سے نہیں پیدا کیا. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نور سے کوئی چیز پیدا کی گئی ہے تو گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو چیز پیدا کی گئی ہے وہ بھی اللہ کا حصہ ہے جبکہ اللہ کا حصہ کوئی چیز نہیں بن سکتی. اللہ کا جز اور اللہ کا عنصر کوئی چیز نہیں بن سکتا. اگر بن جائے تو وہ اللہ ہی بن جائے گا. جس طرح ایک لیٹر دودھ میں سے پاؤ سیر دودھ نکال دیا جائے تو وہ بھی دودھ ہی ہوتا ہے. ایک لیٹر دودھ میں سے پاؤ سیر دودھ باہر نکالنے پر وہ تیل نہیں بن جائے گا
पानी नहीं बन जाएगा, वो भी दूध ही रहेगा। तो अल्लाह के नूर में से अगर कोई नूर निकले तो अल्लाह ही रहेगा। अब जाहिर सी बात है दो अल्लाह चार अल्लाह तो हो नहीं सकते, अल्लाह की जात तो वाहिद है, एक है। कुल वल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह ने नूर से फरिश्तों को पैदा किया, फरिश्ते नूरी मखलूक है। इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला जो हुक्म देता है ये वही करते हैं। अल्लाह ताला जो हुक्म देता है ये वही करते हैं, और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। ये फरिश्तों की सिफत है। फरिश्ते बस इसीलिए पैदा किए गए हैं कि बस जो अल्लाह बोले वो करे, बस। कोई खासा इख्तियार फरिश्तों को नहीं दिया गया है। फरिश्ते सिर्फ उतना ही करते जितना अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया या जिस मकसद के तहत उन्हें बनाया। उसके बाद एक और मखलूक अल्लाह ने पैदा की नार से। नार यानी आग। आग से अल्लाह तबारक ने एक और मखलूक पैदा की, उस मखलूक को कहते हैं जिन। एक बुनियादी मालूमात है, इनका होना जरूरी है क्योंकि हमारी दुनिया इन्हीं चीजों से बनी हुई है। अब जाहिर सी बात है हम पेड़ पौधों को तो देख ही सकते हैं। इसके ऊपर अगर मैं खुतबा सुनाऊं तो आप कहेंगे ये तो सब हम देख रहे हैं, हमको तो मालूम ही है। पहाड़ों के बारे में बताऊं तो आप कहेंगे हम तो स्कूलों में कॉलेजों में पहाड़ों के बारे में पढ़ते ही हैं। क्यों ना वो चीज बताई जाए जो आम तौर पर आपको किताबों में नहीं मिलती है। दूसरी मखलूक जो आग से पैदा की गई उसे जिन कहते हैं। ये भी मखलूक है, वो भी इसी दुनिया में रह रही है। फरिश्ते आसमान जमीन कहीं पर भी हैं, बस अल्लाह जो हुक्म दे रहा है वो उतना कर रहे हैं। जिन वो मखलूक है जो इसी दुनिया में है, बस फर्क इतना है कि ये अलाउद्दीन का जिन नहीं है। जिन है ये अलाउद्दीन का जिन है। अलाउद्दीन जो है ना, अलाउद्दीन है सर, वो ख्याली जिन है, वो हकीकी जिन नहीं है। क्यों? बहुत जबरदस्त एक लतीश मालूमात दे रहा हूं। अरबी जुबान में जिन्नुन, जिन कहते ही है नहीं दिखाई देने वाली चीज, नहीं दिखाई देने वाली चीज जो नजर आती नहीं उसको ही जिन कहते हैं। अब जिन जब नजर ही नहीं आती तो अलाउद्दीन ने चिराग घस के जिन को देखा कैसे? सवाल पैदा होता है ना, वो चीज ही ऐसी जिसको देख ही नहीं सकते हैं। तो चिराग घसने पर क्या हुक्म मेरे आका बोला कैसा? अलाउद्दीन ने देखा कैसा उसको? सवाल ही पैदा होता। तो जिन कहते हैं नई दिखाई देने वाली चीज को। और हैरत अंगेज कुछ मालूमात जो आपके साइंस से, आपके स्कूल से, पढ़ाई से जुड़ी हुई है। साइंस में जो लोग उर्दू पढ़ते हैं उनको मालूम है कि माँ के पेट में जो एम्ब्रियो होता है ना बच्चा इब्तदाई दौर में, वो सिर्फ और सिर्फ खुर्दबीन से नजर आता है। क्या कहते हैं इसको? हाँ माइक्रोस्कोप। जजाक अल्लाह। खुर्दबीन माइक्रोस्कोप से ही नजर आता है, बहुत बारीक होता है। उसको साइंस में बोलते हैं जनीन। क्या बोलते हैं? ये अरबी का लफ्ज है जनीन, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नजर नहीं आता आम तौर पर, खुली आंखों से नजर नहीं आता। उसी से इंग्लिश का एक लफ्ज बना जीन, अरबी से बना हुआ लफ्ज जीन। कौन से जीन का है बोलते हैं ना, इंग्लिश का वर्ड है। उसका मतलब ये है नहीं नजर आने वाली चीज। जन्नत जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम, जन्नत इसलिए जिसको जन्नत कहते हैं क्योंकि वो बागात से, पेड़ पौधों से, हरियाली से, खूबसूरती से इतनी जबरदस्त ढकी हुई है कि उसकी जमीन नजर नहीं आती। या दूसरा माना जन्नत का यह है कि हम दुनिया में रह के उसको नहीं देख सकते, वो गैबी चीज है, मरने के बाद ही नजर आएगी। तो भी अगर वहां तक जाना हुआ तो
یا پھر اگر کوئی جنتی ہے تو قبر میں اس کو وہ مقام دکھا دیا جائے گا، یا اگر وہ جنتی ہے تو مرنے سے پہلے جب اس کو موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہوتے اس وقت وہ مقام اس کو دکھایا جا سکتا ہے. جن کہتے ہیں نئی دکھائی دینے والی چیز جو نظر نہ آئے کھلی آنکھوں سے یا دوربین سے یا خوردبین سے یا سائنس کی ہائی سے ہائی ٹیکنالوجی یوز کرنے کے بعد ہی جو نظر نہیں آتا اسی کو جن کہتے ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. تیسری ایک مخلوق ہے جو خاک سے پیدا کی گئی، خاکی یعنی مٹی، وہ کون ہے؟ ہم اور آپ انسان ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں رہ رہی ہے. یہ تین مخلوقات میں یہ دو مخلوق ایسی ہیں، انسان اور جن، یہ دو مخلوق ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک پاور دیا، وہ پاور ہے پاور آف ڈیسیزن میکنگ، اختیار کا پاور. یہ اختیار پاور دوسری مخلوقات کو نہیں ہے، گائے بیل بھیڑ پیڑ پودے ان کو پاور آف ڈیسیزن میکنگ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، ان کے ایک فکسڈ پروگرامنگ ہے وہ اتنا ہی کام کرتے. لیکن انسان اور جن سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں. ان مخلوقات کے علاوہ جیسا کہ آپ دنیا دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں دو تہائی حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور ایک تہائی زمین ہے، یعنی جتنی زمین ہے ابھی تک انسان پوری طرح اس کی اسٹڈی نہیں کر پایا، جو کہ ایک صرف ایک تہائی ہے، ون تھرڈ ہے. ٹو تھرڈ جو پانی ہے اس کے اندر ایسی ایسی دنیائیں ہیں سمندر کے اندر جس کے بارے میں خود سائنس خود کہتا ہے، جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ وہ کہتے ہیں سمندری دنیا کو اب تک مشکل سے ہم کچھ ہی پرسنٹیج جان سکے ہیں، 2-5% بس. کتنا سمندری دنیا کو، حالانکہ اتنی اسٹڈی ہو رہی ہے، لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی سمندر میں رہتے رہتے، تب بھی کچھ پرسنٹیج 2-3-5% تک ہی معلوم کر سکے ہیں، ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے. یہ بھی بہت بڑی دنیا ہے نا. اس کے علاوہ یہ تو ہوگی ظاہر دنیا جو نظر آتی ہے، اب ہر ایک کا عالم یعنی کہ ہر ایک کی دنیایں الگ الگ ہوتی ہیں. بچوں کی دنیا الگ ہوتی ہے، لڑکپن کی دنیا الگ ہوتی ہے، جوانی کی دنیا الگ ہوتی ہے، ادھیڑ عمر کی دنیا الگ ہوتی ہے، بڑھاپے کی دنیا الگ ہوتی ہے، کتوں کی دنیا الگ ہے، بھیڑ بکریوں کی دنیا الگ ہے نا، سب کی الگ 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 دنیا ہے. جس طرح انسانوں کی دنیا الگ، جنوں کی دنیا الگ، تو اسی طرح یہ دوسری مخلوقات کی دنیا الگ الگ. اسی طرح خیالی طور پر، خیالی طور پر، ذہنی طور پر بھی بہت ساری الگ 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 دنیائیں ہیں. جیسے ٹی وی سیریلز کی دنیا الگ، فلموں کی دنیا الگ، ہیرو ہیروئن کی دنیا الگ، وہ الگ ہی دنیا ہے. وہ جس نے اس میں دماغ ڈالا وہ اس دنیا کا ہو جاتا، یہ دنیا کا نہیں رہتا. اس لیے اس کو نام بھی بڑا اچھا رکھا گیا، وہ میں نے رکھا ہاولے باولوں کی دنیا. جو اس دنیا میں دماغ ڈالتا وہ ہاولا باولا ہو جاتا. حیدرآبادی اسٹائل میں ہاولا باولا مطلب ایڑا دیوانہ. کیوں؟ ہولا مطلب ہالی ووڈ، باولا مطلب جو ہالی ووڈ پاکٹ میں جتنے دماغ ڈال دیا وہ ہو گیا میرا، وہ یہ دنیا کا نہیں رہتا. وہ اپنی سٹائل مارے گا، اپنے سٹائل کپڑے پہنے گا، جینس پہنے گا بھی تو 2-4 جگہ کینچی سے کاٹ کے اس کے اندر اس کی چندیاں لٹکتے رہنا، تب اس کو پسند آتا. ہاں خود کی پینٹ پھٹی بھی رہی اور کسی ہیرو نے نہیں پہنا ہوا رہا تو بے عزتی. وہی پھٹی ہوئی پینٹ شاہ رخ خان، سلمان خان اور جو بھی ہیں ایکس وائی زیڈ، انہوں نے پہن لیا تو وہ عزت اور وقار کا باعث. پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا دیکھا.
वो दुनिया अलग है, हावले बावलों की दुनिया है, उसमें दिमाग नहीं डालना, ये दुनिया की नहीं रहते थे। तो बहरहाल इतनी सारी बातें जो तमीदन तौर पर मैंने बयान की, इसलिए बयान की कि इतनी जबरदस्त दुनिया है कि इंसान कैसा भी हो उसका दिल लग जाता है इसमें, है ना, कैसा भी हो लग जाता। बाल बच्चों की दुनिया अलग, उस्ताद शागिर्दों की दुनिया अलग, दोस्तों की दुनिया अलग, माँ बाप के लिए बच्चों की दुनिया अलग, बच्चों के लिए माँ बाप की दुनिया अलग, दिल लग ही जाता। एक हदीस याद आई, बड़ी प्यारी हदीस, साहबा आप सल्लम के पास आए, एक साहबी आया, वो कहा अल्लाह के रसूल क्या करूं मैं, जब आपके पास बैठता हूं दरबार रिसालत में, जब हाजिरी होती है आपके पास, आपकी सोहबत में बैठता हूं तो आपकी बातें सुनता हूं तो ऐसा लगता है जन्नत और जहन्नम दोनों आंखों के सामने है, इतना ईमान तरोताजा होता है। जैसे ही आपके पास से निकलकर घर चला जाता हूं, बीवी बच्चों में इस तरह मगन हो जाता हूं, इतना हंसता हूं, इतना खेलता हूं, इतना खुश रहता हूं कि मैं जन्नत और जहन्नम को तक भूल जाता हूं। तो आप सल्लम ने कहा यही तो है असल, क्या कहा, गौर करने की बात है, हमने इस्लाम को क्या समझा हुआ है, संन्यास लेने का नाम इस्लाम, पाताल में पहाड़ पर जंगलों में भटकने का नाम इस्लाम नहीं, ये असल है। जब अल्लाह अल्लाह कर तो अल्लाह याद आना, जब घर में गए तो बीवी बच्चों के हुकूक भी याद आना, उनके साथ हंसी मजाक करना, अल्लाह रसूल ऐसा करते थे, बीवी बच्चों के साथ जाते तो उनका हाथ बिठाते, उनका साथ देते, इबादत में लगते तो अल्लाह को भी याद करते, दोनों चीजें हैं। यही बात आप सल्लम ने हदीस में कही कि एक घड़ी दीन एक घड़ी दुनिया है, दोनों के बीच में इंसान चलता, दुनिया के भी हुकूक अदा करना है और दीन के दीनी एतबार से भी हुकूक अदा करते हुए चलना है। तो ये कैफियत इंसान की दिल की बदलती रहती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई बोले कि नहीं भाई मस्जिद में जैसा रहता बाहर भी वैसा रहता, अगर मस्जिद में जैसा रहते बाहर भी वैसा रहे तो समझ जाओ दिमाग की चवन्नी गिर गई। ऐसा नहीं होता, नहीं भाई लोगों के साथ है तो होश में रहो, होश में बात करो, नहीं मैं जब लोगों से बात करता हूं तब भी दिल में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह याद ही करता रहता, नहीं नहीं गलत हो रहा, मस्जिद में बैठो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अच्छी बात है। हाँ कोई नहीं है अल्लाह को याद करो कोई हर्ज नहीं है, नहीं जब चार लोगों में है, चार लोगों से कोई किसी खास बात पे हो रही है, स्कूल है कॉलेज है मीटिंग हो रही है, वहां पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा इस्लाम अल्लाह के रसूल ने सिखाया ही नहीं। तो पूरी दुनिया अलग अलग है, सबकी दुनिया अलग अलग है, दुनिया बहरहाल ऐसी इतनी मजेदार है कि दिल लग जाता है ना। अब आइए एक छोटी सी मिसाल देकर आगे बढ़ता हूं कि ये जो दुनिया है मजेदार दुनिया, बहुत दिल लगता है, बहुत चस्का है इसका, जिसको चस्का लग जाता ना वो मरते वक्त भी बोलता रहता, वो दुकान का क्या होगा, ये दुकान का क्या होगा, वो मकान का क्या होगा, नमाज पढ़ते वक्त भी बोलता इसका क्या होगा उसका क्या होगा। दुनिया बड़ी अजीब है, मजेदार दुनिया है। एक बार वो व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे तो बड़ी हंसी आई वो वीडियो देखकर, अफसोस भी हुआ, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, यहां तक के पूरे जिस्म के अंजर पंजर सब ढीले हो गए, पूरी पट्टी उसके जिस्म पे लगी है, पूरी पट्टी, सिर्फ और सिर्फ दो हाथ के ये दो कलाइया छुटी हुई है, बाकी पूरे जिस्म पे पूरे चेहरे पे पट्टी है, नजर तक नहीं आ रहा। 10 बार उसके दोनों हाथों को अलग कर रहे हैं, वापिस से हाथ ऐसा जाता, अलग कर रहे हैं, डॉक्टर लोग परेशान हो गए, अब बेड पे पड़ा हुआ है और क्या कर रहा बनो, होश में नहीं है, जर्दा घस रहा, मावा घस रहा हथेली पे अंगूठे के जरिए से। डॉक्टर बोले कैसी गंदी आदत है, होश में नहीं है तब भी है ना, गुटका मावा जर्दा सिगरेट बीड़ी शराब नहीं छूट रही, वो उसकी अकीदे का हिस्सा बन गई, जहां अकीदे का हिस्सा अल्लाह की जात बनना चाहिए था वहां ये नशे क्या है नशावर चीजें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई।
दुनिया है ही ऐसी चीज जो घुस जाता ना वो उसी में तबाह बर्बाद हो जाता। इसी तरह ऐसी मजाही बात याद आती है, एक मस्जिद में जोहर की नमाज हुई, अक्सर होता रहता, इमाम साहब ने सलाम फेर लिए तो कुछ लोगों ने खुशफुस करते बोले अरे इमाम साहब दो रकात पढ़ा दे, कोई बोला तीन रकात, कोई बोला चार रकात, झगड़े पे झगड़े हो रहे हैं। एक हजरत उठे, भाई नहीं नहीं बोले सिर्फ तीन ही हुई बोले। सब लोग परेशान, हमको तो शक है इनको यकीन कैसे है, भाई बताओ तो सही सिर्फ तीन रकात कैसे हुई। बोले पहली रकात में पहले बेटे की दुकान के बारे में सोचा, वो हिसाब पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरी रकात में दूसरे बेटे के बारे में, उसकी दुकान के बारे में सोचा, उसका हिसाब कंप्लीट हो गया। क़याम में है, रुकू में, सिजदे में हिसाब किताब जारी है। तीसरे में तीसरे बेटे का सोचा, उसकी दुकान का सोचा, उसका पूरा हुआ, चौथे का बाकी है ना, इसलिए तीन ही रकात हुई, चार नहीं हुई। नमाज में भी दुनिया है ही चीज ऐसी, बहुत जल्दी दिल लग जाता। इसलिए एक मिसाल देकर आगे बढ़ता हूं, दुनिया की मिसाल शहद के जैसी है। कैसी है? एक जगह पर शहद गिरा बहुत सारा, आधा लीटर एक लीटर शहद गिरा हुआ है। शहद कैसा गाढ़ा चिकना गाढ़ा रहता है ना, जल्दी हिलता नहीं अपनी जगह पे से, असली शहद। तीन मक्खियां आई वहां पर, कितनी मक्खियां? पहली मक्खी ने सोचा शहद तो बड़ा मजेदार है, मेरे अलावा कोई नहीं खाना, अकलमंद है ना, है ना, अकलमंद है। उसने सोची मेरे अलावा शहद कोई नहीं खाना, पूरा का पूरा मैं हड़प जाऊंगी, मैं खा लूंगी। जो उसने उसमें डाइव मारी, जंप करी सीधा शहद के अंदर, एक दो इंच अंदर, जान बची उसकी नहीं, खत्म। शहद के अंदर डुबकी लगाई, खत्म। दूसरी ने उसका अंजाम देखी, बाप इतनी डेंजर दुनिया रहती, सॉरी इतना डेंजर शहद रहता, जो घुस गया बाहर नहीं निकलते, जो मेरे खाने का चीनी है। दूर घूमते रही भटक भटक के भूखी मर गई, अकलमंद है ना, नहीं। अरे बाप, तीसरी तुम्हारे मेरे जैसी मक्खी थी, उसने देखी घुस गए तो मर गए, छोड़ के भागे भूखे मर गए, उससे अच्छा बाजू बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो लेंगे और खाएंगे, जिंदगी गुजार लेंगे, चार दिन को तो जिंदगी है। बाजू बैठी, जब जरूरत पड़ी शहद खाई, सुकून से सोई, आराम करी, मौत आई मर गई। दुनिया ऐसी है, दुनिया में घुस गए तबाह बर्बाद, छोड़ के जंगलों में पाताल में पहाड़ों पे चले गए तब भी जिंदगी बर्बाद। दुनिया में रहना, भी बच्चों के साथ रहना, भाई बहनों के साथ रहना, फिर भी अल्लाह को याद करना, दीन पे अमल करना, ये है असली जिंदगी। तो दुनिया इतनी मजेदार होने के बावजूद, इतनी जबरदस्त दुनिया होने के बावजूद, अल्लाह के सल्लम ने हदीस में क्या कहा बताए, इन दुनिया मलऊनुन, कहा ये जो दुनिया है ये मलऊन है, लानत से भरी हुई है। यानी कि ये ऐसी दुनिया है जो इसमें घुस गया वो तबाह बर्बाद हो जाता। हदीस, हदीस के अल्फाज आपके आगे रखता हूं, सुनन तिर्मिजी की हदीस, हदीस नंबर 2322 हदीस करावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं यकूल समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, आप सल्लम ने कहा अला इन दुनिया मलऊन। लोगो कान खोलकर सुन लो, क्या कहा लोगो, अला अरबी में जब अला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है लोगो कान खोलकर सुन लो, गौर से सुनो। सहाबा को तो अल्लाह सल्लम ने कहा ही था, अब मैं हदीस आपके आगे पेश कर रहा हूं तो आपका भी काम क्या है, कान खोलकर इस हदीस को सुना। अला इन दुनिया मलऊन, असल ने कहा लोगो सुन लो, दुनिया मलऊन है, लानत से भरी हुई है, इसलिए जंप करने मत जाओ और भागो भी मत इससे। मिसाल अच्छे समझ में आ जा रही है ना, लोगों दुनिया मलऊन है, लानत से भरी हुई है, दुनिया की स्टडी मत करो। दुनिया की स्टडी करने जाएंगे, दुनिया मतलब लोगों ने कैसा तरक्की करे, लोगों कैसे बिल्डिंगे बनाए, लोग कैसा लप्पा डुप्पी करते, हेर फेर करते, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, कैसा करते गोलमाल कैसा करते, इसकी स्टडी मत करो। क्योंकि एक बार जिसने इसके अंदर दिमाग डाला उसकी पीएचडी कभी नहीं होने वाली।
दुनिया लानत से भरी हुई है, इसमें स्टडी करने के लिए दिमाग डाले तो इंसान खो जाता। फिर उसके बाद आपसे आगे कहा कि मलऊनन माफीहा, और जो कुछ इसके अंदर की चीजें हैं वो भी लानत से भरी हुई है। आप सलम क्यों दुनिया के बारे में बता रहे हैं? ताकि एक मोमिन, एक मुसलमान इसके अंदर छलांग न लगाए, उस मक्खी की तरह छलांग न लगाए, दूर से बैठे जितना जरूरत पड़े उतना इस्तेमाल करे और फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दे। दुनिया के अंदर जो कुछ है वो भी लानत से भरा हुआ है, मतलब जो इसमें डूब जाता है उसके ऊपर भी अल्लाह उसके रसूल की लानतें होती, फरिश्तों की लानत होती, दूसरी मखलूकात की लानत होती। दुनिया बड़ी अजीब व गरीब है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं डालना। इल्म हासिल करो, आगे बढ़ते जाओ, इल्म हासिल करो, आगे बढ़ते जाओ। एक हदीस मुझे और याद आती है, आसलम ने कहा कि जो शख्स इल्म के रास्ते पर चलता है, यल्तमिसुल इल्म, जो इल्म हासिल करने के लिए इल्म के रास्ते पर चलता है वो असल में जन्नत के रास्ते पर चल रहा है। देखिए कितनी जबरदस्त खुशखबरी आप लोगों के लिए, बिलखसूस तुलबा स्टूडेंट्स के लिए, इल्म हासिल करने का रास्ता कौन सा रास्ता है? जन्नत पर। चाहे दुनिया का इल्म हो चाहे दीन में, इल्म इल्म है, सही इल्म होना चाहिए। तो आसलम ने कहा कि दुनिया के अंदर जो कुछ है वो भी लानत से भरा हुआ है, इल्ला ذکراللہ وما والاہ, सिवाय किन चीजों के लानत नहीं है जिसमें, वो है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह की तरफ जाने वाले असबाब, अल्लाह तक पहुंचाने वाले जराई और असबाब, ये लानत से भरी हुई नहीं है। जैसे कि नमाज पढ़ना, रोजा रखना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह को याद करना, अल्लाह के दीन की महफिलों में बैठना, कुरान सुनना, कुरान पढ़ना, कुरान का दर्स और तदरीस करना, दर्स कुरान में बैठना, दर्स हदीस में बैठना, इल्म हासिल करने की जगह रहना, ये चीजें लानत वाली नहीं है, ये रहमत वाली है। अल्लाह को याद करने के जितने जबरदस्त जराइए हैं उनमें मगन हो जाने से इंसान दुनिया में मगन नहीं होता। अल्लाह को याद करने का सबसे बेहतरीन जरिया अल्लाह की किताब कुरान मजीद को समझकर पढ़ना, बेहतरीन जरिया नमाज, जिससे बंदा अपने रब से हम कलाम होता है, नमाज के जरिए से अल्लाह को याद करना, दूसरी इबादतों के जरिए से अल्लाह को याद करना, और इबादत के जितने मामलात हैं, मुतालिकात हैं, रिलेटेड चीजें हैं, उनमें मगन हो जाने से इंसान दुनिया में मगन नहीं होता। दो चीजें हो गई, तीसरी और चौथी बड़ी प्यारी चीज है, वो आलिमुन, आलिम चीज भी मलूल नहीं होता, लानत भरा नहीं होता। वो शख्स जो इल्म, जिसने इल्म हासिल किया उसके ऊपर भी अल्लाह की, रसूल की, फरिश्तों की लानत नहीं होती, वो बड़ा बाबरकत शख्स है। उसी की वजह से ऐसा समझो दुनिया चल रही है। आलिम की बड़ी अहमियत है, आलिम के लिए तो दुनिया की बहुत सारी मखलूकात उसके लिए दुआएं भी करती हैं। आलिम, एक आलिम 100 आबिदों पर भारी है। आबिद मतलब जो सिर्फ इबादत करता है, इल्म नहीं है, क्यों इबादत कर रहा नहीं मालूम, उस 100 आबिदों पर एक आलिम भारी है। तो आलिम इस दुनिया के मलऊन चीजों में नहीं, हालांकि इस दुनिया का हिस्सा है पर इस दुनिया के मलऊन और लानत वाली चीजों में से नहीं है। आलिम की बड़ी अहमियत है, फजीलत है, इसलिए अपनी जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, कईयों असातिजा उस्ताद दीन के ताल्लुक से बनाने चाहिए, जिनसे दीन का इल्म सीखना चाहिए। नहीं तो कम से कम एक उस्ताद तो बनाओ जहां पे आपको सीख सके, आलिम की बड़ी अहमियत है। चौथी चीज जो इसी से जुड़ी हुई है वो मुतअल्लिमुन, चौथी चीज लानत वाली नहीं है, वो क्या है? मुतअल्लिम, स्टूडेंट, सीखने वाला, इल्म हासिल करने वाला भी दुनिया का हिस्सा होने के बावजूद मलऊन नहीं है, वो लानत ज्यादा नहीं है, वो भी रहमत वाला है। जब तक लोग इल्म हासिल करते रहेंगे दुनिया में बरकत रहेगी, रहमत रहेगी। जब लोग इल्म हासिल करना छोड़ देंगे या लोग इल्म सिखाना छोड़ देंगे कि दुनिया पूरी लानत से भर जाएगी। जब लोग अल्लाह को याद करना छोड़ देंगे, इबादतें करना छोड़ देंगे तो पूरी दुनिया लानत से भर जाएगी।
ये चार चीजें ऐसी हैं, अल्लाह को याद करना, अल्लाह को याद करने की जितनी चीजें हैं वो, और इल्म हासिल किया हुआ शख्स और इल्म हासिल किया हुआ, इल्म सिखाने वाला शख्स और इल्म सीखने वाला शख्स, ये चार चीजें हैं। इस दुनिया का हिस्सा होने के बावजूद भी मलऊन नहीं है, लानत ज्यादा नहीं है। इन्हीं बातों पर इक्तफा करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला हमें दीन को समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।